और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में कन्हैया कुमार को टिकट मिला है। मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उतारा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया, यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार होने जा रहा है। तो एक दिलचस्प मुकाबला यहां देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि 10 उम्मीदवारों की जो लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है उसमें कन्हैया कुमार का नाम भी शामिल है। और इस बीच बड़ी खबर है, चंपाई सुरेन को चोट लगी है। झारखंड के सीएम चंपाई सुरेन घायल बताए जा रहे हैं। सीएम पर कृत्रिम फूलों का गेट गिर गया। आदित्यपुर में गठबंधन की बैठक में वो शामिल हुए थे। सुरक्षा कर्मी की सूझबूझ से सीएम बचे हैं। सीएम चंपाई सुरेन को हल्की चोट आई है। तो सीएम को लेकर की एक खबर। और गौरव झा हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। गौरव, कैसे चोट लगी सीएम को, क्या हालत है अभी? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि कल शाम की एक घटना है, जब चंपाई सुरेन बैठक कर होटल से बाहर निकल रहे थे, उस दौरान ब्लॉक गेट बनाया गया है, वो अचानक से गेट विपरीत दिशा में खुलने की वजह से गिर गई, जिससे हालांकि वहां जो कर्मी थे उन्होंने उस गेट को पकड़ा और बहुत ज्यादा चोट चंपाई सुरेन को नहीं, इसलिए हल्की चोट उनके सर में आई थी, जिस पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा चोट उन्हें नहीं आई है और सही परेशानी नहीं। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने झंझारपुर से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और पार्टी ने सुमन कुमार को प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही अन्य दो सीट पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। तो आपको बता दें, मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया है। वीआईपी ने उम्मीदवार के नाम घोषित किए हैं। झंझारपुर लोकसभा सीट जो उनके खाते में गई है, वहां से सुमन कुमार को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब सिंबल दिया गया था और इन्हें प्रत्याशी झंझारपुर से बनाया गया है। साथ ही दो और सीट है वीआईपी के पास, जिसको लेकर अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना है। तो सुमन कुमार जो है वो वीआईपी के झंझारपुर से उम्मीदवार होंगे और यहां टक्कर होने वाली है रामप्रीत मंडल, जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, और वीआईपी से सुमन कुमार होंगे, जिनके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी सुमन कुमार बनाए गए हैं।